खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, देश में पहली बार किसी बूथ लुटेरे को सजा मिली है। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी ने चुनाव में बाधा पैदा करने की कोशिश की तो उसे जेल की सजा हो सकती है। ऐसी सजा मिली है एक विधायक को, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को चुनाव में बाधा डालने के गुनाह में 3 महीने की सजा सुनाई गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने विधायक मनोज कुमार को ये सजा सुनाई है। 2013 के चुनाव में बाधा डाली थी, उन पर आरोप था कि 50 समर्थकों के साथ मिलकर मनोज कुमार कोंडली के पोलिंग बूथ पर उन्होंने उत्पात मचाया था और उस स्कूल का गेट बंद कर दिया था जिसमें पोलिंग बूथ बना हुआ था। सीधा रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को 3 महीने की सजा? जी बिल्कुल अमानदार, 3 महीने की सजा सुनाई है दिल्ली की राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने। आरोप जो गंभीर था, आरोप यह था कि चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें बाधा डाली थी और उसी के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। और जब अदालत में भी जब इस मामले की जेरह चल रही थी तो पुलिस की तरफ से ऐसे दस्तावेज पेश किए गए थे जिसके आधार पर अदालत ने इनको दोषी करार दिया था और जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया था उसमें अधिकतम 3 महीने की सजा हो सकती थी। लिहाजा अदालत ने आज अपने आदेश में 3 महीने की जो अधिकतम सजा हो सकती थी वो सुनाई है। लेकिन यहाँ एक जरूरी जानकारी ये है कि क्योंकि सजा 3 साल से कम है लिहाजा मनोज कुमार को अपील करने के लिए वक्त दिया जाएगा और इसके बीच में उनको जमानत दी जाएगी कि वो ऊपरी अदालत में अपील कर सके। जी अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को चुनाव में बाधा डालने के लिए हुई है 3 महीने की सजा। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़।